सोनाली बिल्डर्स विथ मटेरियल वर्क। अगर आप अपने सपनों का घर उचित दाम में बनवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। विकास झा, मोबाइल नंबर है 8770089448। एलिवेशन डिजाइन विथ वास्तु, कामधेनु सरिया, बिरला उत्तम सीमेंट, डिजिटल टाइल्स, हैवेल्स इलेक्ट्रिक मटेरियल, फिनोलेक्स पाइप, 12W 3W लाइट, ऑफिस हनुमान कॉलोनी गुना, MD तरुण जैन, मोबाइल नंबर 9893057151। विकास झा बी सिविल, मोबाइल नंबर 8770089448। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ब्यूटी एंड वेलनेस विषय लेकर गुना जिले के छात्र ललित सेन ने मध्य प्रदेश स्तर पर गुना जिले का नाम रोशन किया। मध्य प्रदेश स्तर पर छात्र का सफलतम की कहानी चयनित हुई। भोपाल से आई हुई टीम द्वारा ललित की वीडियो स्टोरी कवर की गई है। विगत दिनों भोपाल से आई हुई एक टीम द्वारा गुना जिले के ग्राम फतेहगढ़ में शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण कर आत्मनिर्भर बने हुए छात्र ललित सेन की सफलता की कहानी को कवर किया गया, जिसे देश एवं प्रदेश स्तर पर आत्मनिर्भर बने हुए युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से दिखाया जाएगा, ताकि वह भी तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत अपने हुनर में परंपरागत होकर आत्मनिर्भर बन सके। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के चयनित विद्यालयों में वोकेशनल कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। उनमें से एक शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ जिला गुना स्कूल है, जिसमें मैजिक वर्क स्किल्स इंदौर के माध्यम से विद्यालय में चलाए जा रहे हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस का विषय लेकर ब्यूटी पार्लर संबंधित तकनीकी ज्ञान अर्जित कर खुद संबल बन रहे हैं। कक्षा 12 के ब्यूटी एंड वेलनेस का छात्र ललित सेन, जो कि एक अत्यंत गरीब परिवार का सदस्य है, उसके पिता ग्राम कोहन पोस्ट फतेहगढ़ में एक छोटी सी नाई की दुकान चलाते हैं। उनके परिवार की आय का स्रोत हेयर कटिंग की दुकान है। ललित की मौसी का लड़का एवं उसका भाई राम नरेश सेन एवं हेमराज सेन, जो कि फतेहगढ़ में राम हेयर मेंस पार्लर के नाम से संचालित किया जाता था, इसी के चलते उसके द्वारा शिक्षण सत्र 2017-18 में ब्यूटी वेलनेस विषय का चयन किया गया। कक्षा 9 में प्रवेश लेते समय इस विषय का चयन करने वाले 34 छात्र एवं 2 छात्र थे, जिसमें से वह एक था। ब्यूटी वेलनेस विषय में सिखाई जाने वाली चीज़ें उसके द्वारा रुचिपूर्वक सीखी जाती थी। वर्तमान में ललित BSc तृतीय वर्ष की परीक्षा PG कॉलेज गुना से दे रहा था। उसके द्वारा कुछ समय पूर्व अपनी शिक्षा अध्ययन कार्य के अलावा बचे हुए समय में ग्राम कोहन में अपने पिता की दुकान में उनका हाथ बटाया जाता रहा और उसे बढ़ाया गया। अब वर्तमान में उसके द्वारा फतेहगढ़ में ही अपने भाई राम नरेश सेन एवं हेमराज सेन के साथ राम हेयर मेंस पार्लर के नाम से दुकान संचालित की जा रही है, जिसमें उनके द्वारा दुकान में आज के दौर की आधुनिक कटिंगों को सीख कर दुकान में आने वाले ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। इस विद्यालय में अधिकांशता ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स लेने के लिए छात्राएं एवं दिखाती थी, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व छात्र ललित सेन ने इस सेट को लेने के लिए अपनी रुचि दिखाई और मैंने उसको प्रोत्साहित करके प्रेरित दिया। जब मुझे पता चला कि हमारे स्कूल में ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स आया हुआ है, तो इस कोर्स में एडमिशन लेने की मेरी रुचि हुई। इस कोर्स को लेकर मैंने अपने घर पर जाकर माताजी और पिताजी से बात की। इससे पहले भी मेरे पिताजी गांव में एक छोटी सी सैलून की दुकान थी, जिस पर कटिंग और सेविंग की जाती है। इस कोर्स को लेकर मैंने अपने शिक्षकों से बात की और इस कोर्स में एडमिशन ले लिया। इसे काम करते थे, हमने बाहर बैठ गए, कुर्सी भी नहीं थी, पत्थर पे बैठे थे, उस पर डाल दिया आदमी को, छोड़ दे डाली। एक दिन मिलने तो आया तो बोला, मैं स्कूल में पार्लर की पढ़ाई करना चाहता हूँ। स्कूल वालों ने बोला कि यह अच्छा काम है, तो मैंने बोला कि सीखने दो, करने दो, अच्छा काम है। जब ललित मेरे पास आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो एक लड़का होते हुए भी ब्यूटी एंड वेलनेस लेना चाहता है। फिर काउंसलिंग के दौरान उसके माता पिता को समझाया और उसे स्टेट में एडमिशन दिया।
ललित अपने स्कूल में ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रहा था तो मेरे से बातें करता था, क्यों नहीं भैया अच्छा अच्छा काम सिखाया जाता है स्कूल के अंदर, और अपन क्यों ना एक पार्लर डाल लेते हैं, अपने गांव के अंदर अच्छा पार्लर भी नहीं है, चार पांच कुर्सी डाल के अच्छा कार्य करते हैं, अच्छी कमाई होगी, अच्छी इनकम होगी, मेरे को ऐसा विश्वास है। हम सब ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और अच्छा पार्लर डाल लिया। जब मैंने ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स करना चाहा तो कई लोगों ने मुझे टोका कि लड़का होकर भी तुम ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स कर रहे हो, तब तो मैं उन लोगों का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन जब ये मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो मैंने मेरे भाइयों के साथ मिलकर एक पार्लर खोला, तो उन्हीं लोगों ने कई बार मुझे बधाइयाँ दी। अब मैं अपने पिताजी की दुकान से अलग खुद का एक बड़ा सैलून चला रहा हूँ, जिसमें सिर्फ शेविंग और कटिंग नहीं बल्कि मैनीक्योर पेडिक्योर हेयर स्पा मेकअप ब्लीच इत्यादि की। पहले मेरे पिताजी केवल कटिंग और शेविंग का काम करते थे, लेकिन अब सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक सैलून में इतने सारे कार्य होते हैं। मैं अपने भाइयों के साथ मिलकर 60 से 70 हज़ार रुपये महीने कमा रहा हूँ, जिससे मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। साथ ही साथ मैंने अपने पिताजी की मकान बनाने में सहायता की और अपने खुद के लिए एक बाइक खरीदी। अभी तो मैं अपना पार्लर चला रहा हूँ, लेकिन मेरा सपना है कि और भी शहरों में इस पार्लर के ब्रांचेस खोलो और अपने व्यापार को आगे बढ़ाओ। गुना आगमन पर सिंधिया जी की मयाना में अगवानी करने पहुंचे पूर्व मंत्री एवं कोलारस विधायक। आज केंद्रीय उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुना आगमन हुआ, जिसकी अगवानी करने के लिए जिले के सीमा मयाना में पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिलाध्यक्ष बीजेपी धर्मेंद्र सिंह शिकरवार, कोलारस विधायक महेंद्र यादव एवं अन्य बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। सिंधिया जी का सभी ने अगवानी होटल केवट राज पर की, कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिंधिया जी जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भी दिखाई दिए। इसके बाद गुना कार्यक्रमों के लिए रवाना हुए। मयाना से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम बड़ा अमलिया में एलईडी टीवी पर संत रामपाल जी सत्संग हुआ, नशे से दूर रहने का दिया गया संदेश। गुना में रविवार को जिले के राघोगढ़ तहसील के ग्राम बड़ा अमलिया में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने एलईडी टीवी के माध्यम से सत्संग किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सत्संग श्रवण किया। ये सत्संग कार्यक्रम सुबह 11 बजे से किया गया। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि कबीर परमेश्वर कहते हैं कबीर रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु किन्हीं, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन, कबीर रामकृष्ण बड़े तिन्हू पूर्व राजा, तीन गुरु बंद किन्हीं निज काजा। अर्थात आप जय श्री राम कथा श्री कृष्ण जी से तो किसी को बड़ा अर्थात समर्थ नहीं मानते हो, वे तीन लोक के मालिक थे, उन्होंने भी गुरु बनाकर अपनी भक्ति की तथा मानव जीवन सार्थक किया। इससे महज से समझा जा सकता है कि अन्य व्यक्ति आदि गुरु के बिना भक्ति करता है तो कितना सही है अर्थात व्यर्थ है। जिला संयोजक करदास और हंसराज दास ने बताया, हर रविवार को गुना जिले में एलईडी टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन करते हैं। सत्संग करने का कि समाज में फैल रही कुरीतियों जैसे नशा, दहेज प्रथा, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी, चोरी करना, तमाम कुरीतियों को दूर करना है। आपका नाम? कमलेश दास। कहाँ से हो आप? बड़ा अमलिया से। आज ये सत्संग कहाँ पर किया गया? ग्राम बड़ा अमलिया में। बड़ा अमलिया, ग्राम बड़ा अमलिया, तहसील रावण, जिला गुना। तो सत्संग करने के पीछे मेन उद्देश्य क्या है? सत्संग करने के पीछे हमारे गुरु जी का उद्देश्य यह है कि समाज में व्याप्त बुराइयाँ हैं, जैसे कि नशा और जातवाद, भेदभाव, इसके प्रति हमारे गुरु जी ने सत्संग करके मतलब यहाँ जो भगत संगत है उनको संदेश दिया है कि लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चरस गांजा फीम सभी तरह के नशा करते हैं, इससे उनके घर परिवार में भी मतलब कलेश होता है, घर बर्बाद हो जाते हैं, समाज दुखी रहता है उनसे। तो हमारा गुरुजी का उद्देश्य है कि ऐसी बुराइयों को समाज से मिटाकर एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना उनका एक उद्देश्य है, और इसी संदर्भ में हमारे गुरुजी ने बताया कि नशा करने से हमेशा मनुष्य का नाश होता है, और ज्ञान के शास्त्रों के माध्यम से और सभी धर्मों के आधार से नशा को निषेध बताकर और नशा मुक्त कराने का संकल्प समाज को दिलाया। और दूसरी तरफ हमारे समाज में जो ऊंच नीच और जाति पात का जो भेदभाव फैला हुआ है उसके विषय में हमारे गुरुजी ने बताया कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है, हम सब एक विराट पुरुष की, एक परमात्मा की संतान है,
पूरा विश्व एक पिता की संतान है। जब हम एक पिता की संतान हैं तो अलग अलग कैसे हो सकते हैं, और एक पिता से उत्पन्न संतान अलग अलग नहीं हो सकती है। तो हमारे समाज में फिर ये भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात कहाँ से आई, ये सब गलत है। परमात्मा ने ज्ञान के माध्यम से बताया है, एक विराट पुरुष की संतान, एक विराट पुरुष से उत्पन्न जो संतान है वो ऊंची नीची नहीं है। हमारे गुरुजी पूरे विश्व में एक जात पात को लेकर एक मतलब संदेश देते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा भारत पूरा विश्व एक पिता की संतान है। हमारे गुरुजी ने एक नारा दिया है पूरे विश्व को कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आता। जैसे आप क्या काम करते हैं? मैं भगत जी पैसे से एक डॉक्टर हूँ, और मैं लोगों की सेवा करता हूँ, और बस समाज में एक स्वच्छ समाज का निर्माण चाहता हूँ। ये प्रत्येक रविवार को किया जाते हैं? प्रत्येक रविवार को होता है हर जिले में। अच्छा, क्यों किए जाते हैं? ये क्या है कि जो पूरे विश्व में जो पाखंडवाद है, पाखंडवाद के जो ज्ञान आधार से जो गुरुजी बताते हैं शास्त्रों के अनुसार, चार वेद, छः शास्त्र, 18 पुराण, उन्हीं में से बताते हैं कि जो हमारे जो हैं सदग्रंथ, इनमें कहीं भी कहीं पाखंडवाद नहीं है। तो इसी आधार पर बताने के बाद में जो जितने भी भारतवर्ष के हैं, जो गुरुजी का ज्ञान सुनते हैं, सुनने के बाद में अमल भी करते हैं, विचार करते हैं, विचार करने के बाद में उनसे जुड़ते हैं, तो सभी बुराइयों का त्याग कर देते हैं वो। अच्छा, तो जो ये पुस्तक है, जैसे कि आपके हाथ में कौन सी, ज्ञान गंगा, तो ये किन के द्वारा लिखी गई है? ये संत रामपाल जी महाराज जो गुरु जी हैं उनके द्वारा। तो क्या है इसमें सर? इसमें जो प्रश्न है जो आज तक विश्व में किसी ने नहीं बताए, जो ऐसे प्रश्न है जो जितने भी जो कथावाचक हैं, हमारे आचार्य गुरु जो भी धर्म जो चल रहे हैं उनमें भी आज तक जो नहीं बताए, वो आज रामपाल जी महाराज ने बताए। क्यों बताए? कि वो परमात्मा स्वयं कहता है कि आपे आरती आपे साजे, आपे किंगर आपे बाजे, आपे जान जान जनकारा, आप नचे और देखा नारा, वो परमात्मा स्वयं बताता है। क्या इस किताब में जो प्रमाण है वो धर्मशास्त्रों में मिलते हैं? बिल्कुल है, आप बिल्कुल प्रमाणित है, और जिस सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाई करके निकली है, 12 जज बैठे थे और उन्होंने जो पुस्तक को पढ़ के उन्होंने ये बोला है कि ये ज्ञान गंगा नहीं, इसका नाम ज्ञान सागर होना चाहिए। ये तो क्या है कि जो पाखंडी होते हैं उनको जो बुरा लगता है, क्योंकि जिनमें जो प्रश्न है कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, जो हमको बता दी, और हमको जन्म देने व मरने में मरते उसमें किस प्रभु का स्वागत है, हम इतनी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं फिर भी हम कितने दुखी हैं, तो ये सभी का जो है जो पूरा निचोड़ है ये ज्ञान गंगा। तो पूर्ण परमात्मा कौन है? पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है जी। तो आप कहाँ के रहने वाले? मैं रुटियाई से हूँ जी। आपका नाम? सोनू ओझा जी। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता, भाजपा नेता अरविंद गुप्ता ने नगर आगमन पर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, पार्षद कैलाश धाकड़, राजू ओझा, श्रीमती सुमन लोधा, लाला राम लोधा, श्रीमती बबीता साहू, राजेश साहू, श्रीमती राधा कुशवाहा, श्रीमती ममता तोमर, लाला राम लोधा, शिव नारायण कुशवाहा, श्रीमती अनीता कुशवाहा आदि बड़ी संख्या में पार्षद उपस्थित हुए। सांसद खेल महोत्सव 2024 के विजेता खिलाड़ियों का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न। जिले के लगभग 1430 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल प्रतिभाओं में की भागीदारी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। आज गुना में दिनांक 4 फरवरी 2024 को पीजी कॉलेज के खेल स्टेडियम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन एवं स्मार्ट मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के दौरान खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इसके बाद विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया गया। विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार वितरित कर किया उत्साहवर्धन। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सिंधिया द्वारा पुरस्कार वितरण के दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और खो खो महिला वर्ग में गुना विजेता एवं आरोन उप विजेता रहे, तृतीय स्थान पर चांचोड़ा रहा। इसी प्रकार खो खो पुरुष वर्ग में गुना विजेता बमौरी उप विजेता तथा चांचोड़ा तीसरे स्थान पर रहा। इसी प्रकार कबड्डी पुरुष वर्ग में चांचोड़ा की टीम विजेता रही तथा उप विजेता राघोगढ़ तथा तीसरे स्थान पर गुना रहा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को भी पुरस्कार वितरण किया गया। मैं निवेदन करूंगा ये खेल महोत्सव केवल 2024 का नहीं होना चाहिए,
हम लोग अपने कैलेंडर में डाल दें, सेट कर दें तारीख, रविवार को शुरू करें और अगले रविवार को समाप्त करें। हर साल आयोजित होना चाहिए। संपूर्ण संसदीय क्षेत्र का इस बार तो मैंने हर एक जिले में अलग अलग किया है, शिवपुरी में अलग, गुना में अलग, अशोकनगर में अलग। अगले साल एक ही खेल महोत्सव पूर्ण संसदीय क्षेत्र का, 8 दिन का, एक एक पंचायत की टीम होनी चाहिए, एक एक शहर की वार्ड की टीम होनी चाहिए। 8 दिन का कार्यक्रम आयोजित करें, 8 खेल आयोजित करें, 1 दिन में 1 खेल। अभी 7 है लिस्ट में, इसमें 1 और ऐड कर दें और हर एक दिन उस खेल का राष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्ट खिलाड़ी को हम लेके आएंगे, चाहे हम लोग इसको शिवपुरी में आयोजित करें या गुना में आयोजित करें। और पूर्ण रूप से आपका उत्साह वर्धन 8 दिवस के खेल महोत्सव के आधार पर हम लोग करेंगे। तैयार हो? तैयार हो तो बोलो मेरे साथ मुट्ठी बांधकर, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, युवा शक्ति की जय, युवा शक्ति की जय। सहारिया बनवासी छात्रा वास खेड़ापति कॉलोनी गुना में विश्व मंगल सभा उत्तर भारत संयोजिका सांसद की धर्मपत्नी डॉक्टर अनुराधा कृष्णपाल सिंह यादव, लोक प्रतिनिधि परिवार संपर्क विभाग विश्व मंगल सभा ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने 5 छात्राओं को गोद लिया। ब्लॉक आरएसएस प्रमुख मनोहर लाल शर्मा ने 3 छात्रों को गोद लिया। अन्य महिला पुरुषों ने भी छात्रावास की छात्राओं को गोद लेकर एक एक बालिका के 21,000 रुपये भेंट किए। इस अवसर पर कई छात्राओं एवं महिलाओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस गुना जिला एवं मध्य प्रदेश के महिला मोर्चा की महिलाओं ने भाग लिया। प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष माया नारोलिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीकी, इसमें महिला आरक्षण बिल के अनुसार महिलाओं को 33% कोटी आरक्षण मिलेगा। जहां भी विधानसभा चुनाव होंगे वहां भी 33% महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। से ये लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हाँ। तो क्या महिलाओं के लिए कोटा बढ़ाया जाएगा इसमें, और क्या स्थिति रहेगी चुनावों में, क्या तैयारी आप लोगों की? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो चाय बेचने वाला, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, गांव गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मातृशक्ति के दम पर, मातृशक्ति के वोट प्रतिशत की दम पर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। आने वाले लोकसभा चुनाव में 29 की 29 मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट हम जीतेंगे और नारी शक्ति वंदन अधिनियम आरक्षण जो 33% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को दिया है, इस लोकसभा चुनाव में भी उसका असर देखने को मिलेगा और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 33% का आरक्षण लागू होगा और विधानसभा और संसद में 33% की आबादी के हिसाब से महिलाएं विधानसभा और लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगी। अभी हाल ही में बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। इस समय विद्यार्थियों को तनाव एवं स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन सभी समस्याओं से बचाव के लिए योगाचार्य महेश पाल विद्यार्थियों के लिए योग अभ्यास के विषय में विस्तार पूर्वक बताते हैं कि हमारी दैनिक दिनचर्या में योग अभ्यास महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसमें हम सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, ताड़ासन, अर्ध ताड़ासन, भुंजासन, अनुमूल विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और ध्यान योग के माध्यम से तनाव मुक्त रहकर बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का अभ्यास संपूर्ण शरीर को लचीला बनाता है। इसके अभ्यास से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है, यह शरीर को डिटॉक्स करता है। ताड़ासन विधि, सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं, फिर पूरे शरीर को स्थिर रखें और दोनों पैरों पर अपने शरीर का पर्जन समान रखें, हथेलियां सीधी रखें, फिर सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर
खींचे। लाभ, ताड़ासन के अभ्यास से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। ताड़ासन करने से पाचन तंत्र सही रहता है। वृक्षासन, सीधे खड़े होकर दाएं पैर को उठाकर बाएं जंघा पर इस प्रकार रखें कि पैर का पंजा नीचे की ओर तथा एड़ी जंघा के मूल में लगी हुई हो। दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में सामने रखें। यह आसन एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। भुंजगासन, पेट के अंगों को उत्तेजित करता है। भुंजगासन तनाव और थकान को दूर करने में मदद करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इस प्राणायाम में बाई नासिका से श्वास लेते हैं और दाई से छोड़ते हैं, फिर दाई से श्वास लेते हैं और बाई से छोड़ते हैं। इस प्रकार 5 मिनट तक अभ्यास करते हैं। इसके अभ्यास से तनाव और चिंता को कम किया जाता है। यह पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। अब आता है भ्रामरी। सबसे पहले किसी शांत और अच्छी हवादार जगह पर बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी तर्जनी उंगलियों को दोनों कानों पर रखें। अपना मुंह बंद करते हुए नाक से ही श्वास लें और छोड़ें। सांस छोड़ने के दौरान ओम का उच्चारण भी करते हैं। इस प्रक्रिया को 5 से 7 बार दोहराएं। यह आपके मस्तिष्क को शांत बनाए रखने में मदद करता है। ध्यान योग, ध्यान योग करने के लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। दोनों आंखों को बंद कर लें। दोनों भौहों को बीच में आज्ञा चक्र पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। श्वास की गति सामान्य रखें। इसके अभ्यास से नींद की समस्या, अनिद्रा, तनाव, चिंता, भय को समाप्त करता है। इन सभी योग अभ्यास के माध्यम से विद्यार्थी अपने आप को पूर्णतः चिंता मुक्त, तनाव मुक्त रहकर अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। नमस्कार, मैं योगाचार्य महेश पाल। जैसा कि अभी हाल ही में बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है विद्यार्थियों के लिए, ऐसे में विद्यार्थी बहुत हड़बड़ाहट में रहते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, कभी कभी उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए और परीक्षा, बोर्ड परीक्षा के समय अपने तनाव से मुक्त रहने के लिए हमें कौन कौन से योग अभ्यास करने चाहिए, इसके विषय में जैसे कि हम सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, अर्धताड़ासन, वृक्षासन, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और ध्यान योग के माध्यम से अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ रख सकते हैं, जिसके माध्यम से हम हमारी बोर्ड की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने अंक भी अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। जिससे कि हम कभी कभी परीक्षा हॉल में कुछ क्वेश्चंस भूल जाते हैं बेचैनी, घबराहट की वजह से, हेजिटेशन की वजह से, लेकिन हम कुछ ये योगिक अभ्यास जब हम फॉलो करेंगे हमारे दैनिक दिनचर्या में तो हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और हम परीक्षा में अपने तनाव मुक्त रहकर अपनी परीक्षा में अपना बेस्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योगाचार्य महेश पाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार कल 5 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और इसी के चलते आज शहर सहित अंचल भर के हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों में परीक्षार्थियों की संख्या के लिहाज से बैठक व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों को अंजाम दिया जाता रहा। उल्लेखनीय है कि एमपी बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार कल 5 फरवरी से प्रदेश भर में 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी, जबकि अगले दिन 6 फरवरी से 12वीं की परीक्षा का आगाज होगा। उक्त परीक्षाओं के लिए जिले के 52 हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इनके अलावा 2 अन्य हाई स्कूलों को भी 10वीं की परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया है। आपको बता दें, इन सभी 54 केंद्र पर परीक्षा के लिए परीक्षा सामग्री का वितरण अभी हाल ही में किया जा चुका है। इसके बाद आज शहर सहित अंचल भर के सभी परीक्षा केंद्रों पर कल 5 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा को देखते हुए तैयारियों को अंजाम दिया जाता रहा। विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में की जा रही तैयारियों में विशेष रूप से प्रत्येक केंद्र पर परीक्षा के लिए दर्ज परीक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से बैठक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं जिले भर की परीक्षा पर निगाह रखने और जानकारियों के आदान प्रदान के लिए स्थानीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसका प्रभारी उच्च माध्यमिक शिक्षक निर्भय सक्सेना को बनाया गया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए जिले भर में कुल 14,584 नियमित छात्र छात्राएं दर्ज है, जबकि 3,677 विद्यार्थी स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के रूप में परीक्षा देंगे। इस तरह जिले में 10वीं की परीक्षा के लिए कुल 18,261 विद्यार्थी नामचित हैं, जबकि 12वीं की परीक्षा के लिए कुल 12,021 विद्यार्थी नामचित हैं, जिनमें से 9,382 नियमित व 2,639 विद्यार्थी स्वाध्यायी के रूप में पंजीकृत हैं। तैयार की गई है हमारा साहब, ये परीक्षा केंद्र क्रमांक 17-10-03 क्रमांक 2 है और इसमें हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की परीक्षा हो रही है।
इसमें 396 बच्चे तो हमारे हाई स्कूल के बैठेंगे और 254 बच्चे बैठेंगे हायर सेकेंडरी स्कूल के। तो इस तरह से हमारे संस्था पर टोटल 650 बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं। लावा ये कितने कमरों में बैठेंगे सर? ये हमारे यहाँ 12 कमरे और एक हॉल यूज किया है, 13 कमरे हमारे पास टोटल बच्चों के लिए। पेपर का समय क्या है सर? पेपर का समय सर सुबह 9 से 12 है और बच्चों को एंट्री का टाइम दिया है 8:40 तक। 8:50 पर हम कॉपी बांटेंगे, 8:55 पर पेपर खोलेंगे और पेपर सेट क्योंकि कमरे में ही खोलने का प्रावधान रखा गया है तो जिस परिवीक्षक की ड्यूटी रूम में है वही 8:55 पर पेपर खोलेगा, फिर 9 बजे डिस्ट्रीब्यूट। क्या सब नाम है सर? मेरा नाम है राजकुमार लिटोरिया, ACS। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सारिका जैन के निधन पर जताया शोक। गुना में भारत सरकार केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक दिवसीय गुना प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हुए सम्मिलित। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने गुना आगमन पर सर्वप्रथम स्वर्गीय गट्टूलाल जी जैन कैंची बीड़ी की पुत्रवधु विजय कुमार जैन शिवपुरी वालू की धर्मपत्नी एवं रविन्द्र जैन नीलू की मातेश्वरी स्वर्गीय सरिता जैन के निधन पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी पहुंच पूज्य माता जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इस दुख की घड़ी में शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों को संबल दिया। इस अवसर पर परिजन रमेश जैन, कैलाश जैन सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह शिकरवार एवं पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन आदि उपस्थित रहे। वन अधिकार अधिनियम कानून को लागू हुए 15 वर्ष के बाद भी नहीं मिले सहरिया आदिवासी समुदाय को पट्टे। सरकार ने सहरिया आदिवासियों के साथ की अनदेखी, धोखा। सूरज सहरिया एकता परिषद जिला संयोजक गुना ब्लॉक के ग्राम खड़कपुर में आज दिनांक 4/2/2024 को सहरिया आदिवासी समाज की पंचायत एकता परिषद जिला इकाई के नेतृत्व में हुई बैठक। उपस्थित ग्राम के वन लाल कल्लू गुवना बालकिशन सहरिया ने कहा कि 42 परिवारों का पूर्वजों के समय से कब्जा है और खेती करते चले आ रहे हैं लेकिन पट्टे नहीं मिले हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन किया गया है। बैठक में चर्चा करते हुए एकता परिषद जिला संयोजक सूरज सहारिया ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम कानून वर्ष 2006 में बना है और वर्ष 1 जनवरी 2008 में लागू हुआ है, फिर भी आज तक पट्टे नहीं मिलना बहुत ही चिंताजनक बात है। यदि ठीक तरह से ग्राम वन अधिकार समिति और उपखंड स्तरीय समिति कार्यवाही करे तो पट्टे तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन आज भी जिले भर में हजारों की संख्या में आवेदन दर्ज तो हैं लेकिन अधिकार नहीं मिला है। सामाजिक जन संगठन एकता परिषद का उद्देश्य रहा है कि आपकी समस्या को जिला प्रशासन को अवगत कराया जाता है। बैठक चर्चा करते हुए एक कार्यकर्ता नंदकिशोर सहारिया ने कहा कि आदिवासी समाज जंगल का मालिक है, फिर भी जंगल से वंचित है, एकजुट होकर ही अधिकार मिलेगा। बैठक में उपस्थित रहे कार्यकर्ता राजा राम, भारत, गायत्री, विशाखा, मुखिया नारायण आदि कई लोग उपस्थित रहे। परिवार दर दर की ठोकर खा रहे हैं और इस जगह पर आज कर देखा, आपने देखा होगा पूरी जमीन खाली पड़ी हुई है। जे कभी हक जुटती थी, इन्हें फसल भी की थी लेकिन वन विभाग द्वारा निरंतर इनको बेदखल करने का काम किया है। मैं यहाँ की स्थानीय प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इनको वन अधिकार अधिनियम के तहत जल्द से जल्द पट्टा मिलना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में ये सारे गाँव के लोग एकजुट होकर जिला प्रशासन पर धरना प्रदर्शन करेंगे। रोटरी निशुल्क नेत्र जांच शिविर में 233 रोगियों का हुआ परीक्षण, 104 मरीजों का होगा मोतियाबिंद ऑपरेशन। जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण समिति के अंतर्गत रोटरी क्लब गुना के तत्वाधान में निशुल्क नेत्र एवं सुगर व बीपी जांच शिविर एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी शिविर संयोजक विकास जैन रखराली ने बताया कि माह के प्रथम रविवार को गायत्री मंदिर के पास रोटरी भवन गुना में विशाल निशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन रोटरी अध्यक्ष CP रघुवंशी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इससे पूर्व शिविर का शुभारंभ अतिथियों द्वारा रोटरी के जनक पाल पी हेरिस एवं रणछोड़ दास जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। शिविर में सदगुरु संकल्प नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर सोनाली जायसवाल द्वारा 233 से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें से 104 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित कर सदगुरु सेवा संकल्प नेत्र चिकित्सालय लेटरी भेजा गया, जहां उनका नेत्र विशेषज्ञों द्वारा निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जाएगा। इस अवसर पर रोटरी सचिव प्रवीण सुमानी, वरिष्ठ रोटरी शिखर चंद जैन, रोटरी
सुरेश रघुवंशी संगम, फादर सेवी, शिविर संयोजक विकास जैन, नकराली मनोज बिंदल, नरेंद्र महाश्वरी, रकेश तिवारी, महेश रघुवंशी, केवी शर्मा सहित जीतू शर्मा, डाल सिंह जाधव, नितेश सेन, रणबीर बघेल सहित सदगुरु नेत्र चिकित्सालय के स्टाफ द्वारा शिविर में सेवा कार्य कर सहयोग प्रदान किया। शिविर संयोजक श्री जैन ने बताया कि मोतियाबिंद ऑपरेशन वाले मरीजों को सदगुरु नेत्र चिकित्सालय लटेरी भेजा गया, जिनको ऑपरेशन पश्चात अगले दिवस अपने अपने घर पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही नेत्र शिविर में मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ व उनके रुकने व भोजन की व्यवस्था संस्था द्वारा निःशुल्क की गई। नर सेवाई नारायण सेवा भाव से रोटरी क्लब गुना द्वारा गुना के तत्वाधान में जिला नियंत्रण समिति के अंतर्गत रोटरी क्लब भवन में निशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर आज रविवार 4 तारीख को आयोजित किया गया, जिसमें हमारे सदगुरु सेवा नेत्र चिकित्सालय के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने यहाँ पर 142 से अधिक लोगों का अभी तक नेत्र परीक्षण नेत्र जांच की गई है। इसमें से 42 लोगों का मोतियाबंद ऑपरेशन चिन्हित किया गया है और आगे अभी भी जांच चल रही है। मैं हमारे रोटरी क्लब के अध्यक्ष आदरणीय सीपी रघुवंशी सिंह जी, सचिव प्रवीण सोमानी जी, हमारे शिखर चंद जी भाई साहब, हमारे फादर सेवी साहब सुरेश जी और सभी रोटरी क्लब के हमारे संयोजक मनोज जी, सभी का सहयोग रोटरी क्लब में मिल रहा है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी से भी आग्रह करता हूँ कि आप सभी रोटरी क्लब भवन में आकर हमारा नेत्र शिविर में अपनी सहयोग दें और अपनी लोगों को जागरूक करते हुए बताएं कि यह शिविर लगता है और लोगों को अपनी आंखों की जांच कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।